नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास टेंथ का पहला चैप्टर रियल नंबर लेकर आए हैं। तो आइए आज हम समझते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर एक्चुअल में दुनिया में जितने भी नंबर हैं सभी नंबरों का ये बाबूजी है। दुनिया में जितने भी नंबर निकले हैं सभी कहां से निकले हैं? रियल नंबर से। सभी के सभी वास्तविक नंबर से नंबर निकले हुए हैं। आइए देखते हैं कि रियल नंबर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या के अंदर क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है? होल नंबर, यानी कि गिनती की ही संख्या में अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर। इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा क्या कहलाता है? होल नंबर। तीसरा क्या है? इंटीजर्स नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी कि पूर्ण संख्या में इसी को अगर निगेटिव पॉइंट से जोड़ देते हैं, यानी कि इसी का ऋणात्मक जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? इंटीजर्स नंबर। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग दो तरह से देखते हैं। पहला क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब कि पहला ऐसा है कि भाग लगाने पर दशमलव के बाद जो पूरी तरह से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब कि शांत पड़ जाता है वो दशमलव के बाद पूरी तरह कट जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो शांत पड़ गया है, अब वो नहीं कटेगा। जैसे एक बटा दो दशमलव के बाद 5 बार में क्या हो गया? कट गया, यानी इसके बाद अब ये भाग नहीं लगेगा। यानी कि दशमलव के बाद जब पूरी तरह कट जाए और भाग नहीं लगे तो उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव नंबर। उसके बाद क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि जो दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या का पुनरावृत्ति करता हो उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब कि अशांत आवृत्त संख्या, मतलब कि ये अशांत है, ये शांत नहीं है। दशमलव के बाद बार बार भाग लग रहा है और बार बार एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है। जैसे एक बताती भाग लगाने के बाद क्या हो रहा है? 0.03 तीन तीन को क्या कर रहा है? बार बार दोहरा रहा है। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्त संख्या, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक ही संख्या को बार बार क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। 20/3 ये क्या कर रहा है? पहले बार में तो 6 बार लगा, फिर दशमलव बार 6, 6, 6, 6 क्या हो रहा है? ये अशांत है, ये बार बार एक ही संख्या को रिपीट करते हुए भाग लगते जा रहा है। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन का दो रूप हो गया, एक दशमलव के बाद कट जाता है और एक दशमलव के बाद एक ही संख्या को बार बार दोहराते जाता है और लगातार लगते जाता है, कटता नहीं है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। दूसरी तरफ क्या है? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब कि ये दशमलव के बाद टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे √3, √2, √5, √3, √2 को जैसे देखते हैं भाग लगा के क्या होता है? 1.1 ये यहाँ पे कांटे मारा है, ये दशमलव नहीं है, 1.414 लगाते जाइए, भाग लगते जाएगा, रिपीट भी नहीं करेगा और बार बार नए नए अंक से भाग लगते जाएगा। इसको क्या बोलते हैं?
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कहने का मतलब है कि जिसका वर्गमूल ना निकले वो समझिए क्या है कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, रूट के फॉर्म में हो और उसका वर्गमूल ना निकले, इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि हम कुल मिला के कहें कि रियल नंबर क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक ग्रुप है, एक समूह है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, समूह है रियल नंबर। तो आज हम लोग रियल नंबर देखे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। धन्यवाद।